What did they do to our report? What? What's that? Image. Symmetry. What did they do when they put the report in? Oh, shit. आज का हमारा पहला वीडियो इंडोनेशिया के किसी खंडर हवेली का है। कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन आदमी से होती है। उस आदमी को अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। अपने घर वालों को बताए बिना वो आदमी उस लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की को इस हवेली में लेकर आ जाता है। जब वह घर वाले इस लड़की को देखते तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस बंदे से कहते हैं कि हमें बता देते, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करते। हम लोगों ने मना थोड़ी ना करना था, तो खैर इस बात को भूल जाओ। इस बात को काफी दिन चुके थे। कुछ दिन गुजरने के बाद ही धीरे धीरे से इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले तो माँ की मौत हो जाती है, मतलब ये लड़की पनौती थी। उसके बाद बहन की मौत हो जाती, छोटे भाई के बाद फिर इस बंदे की भी मौत हो जाती है। और अभी तक वो लड़की इस हवेली में जिंदा है और एक डायन का रूप ले चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो लड़की पहले से डायन थी, वो कोई इंसान नहीं थी, कोई डायन है डायन। तो खैर आज कई साल बाद जब ये बंदा इस हवेली की जांच पड़ताल कर रहा था, तो तभी इस का सामना उसी लड़की के साथ हो जाता है। और तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर देखो कि ये दिखने में कितनी भयानक है, ये तो डायन है डायन। स्ताका कुछ थी, स्ताका कुछ सिंदन सिंदन Sindan, Allahu Akbar ya Gusti ya Karim, Allahu Akbar. Astaga Tuhan, ya Yul, memang kadang lokasi ini kayak agak memang ku. Sindan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. आज का हमारा दूसरा वीडियो अफ्रीका के किसी हॉस्पिटल का है। इस हॉस्पिटल में ये सामने मरीज पड़ा हुआ है, ये कोई नॉर्मल मरीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अजीबोगरीब है। ये तो कोई शैतान है शैतान। तुम लोग अभी इसके दांत देख सकते हो, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मतलब इंसानों की तरह है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसे शैतान बनने में टाइम नहीं लगता है। तुम लोग देख सकते हो अभी ये बंदा शैतान बन रहा है और अचानक से गर्दन घुमाने लग जाता है, फिर इसके दो दांत साइडों से बाहर आ जाते हैं। ये तो शैतान है शैतान, वैम्पायर है ये वैम्पायर, तुम लोग खुद देख सकते हो। जिंदगी में काला जादू होते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज के हमारे तीसरे वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि काला जादू कैसे किया जाता है और काला जादू होने के बाद मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है और जिंदा इंसान की मौत हो सकती है, यानी कि कुछ भी पॉसिबल किया जा सकता है अगर तुम लोग काला जादू ठीक तरह से करोगे तो। तो यहाँ पर इस वीडियो में तुम लोग देख सकते हो कि ये आदमी चारों तरफ मोमबत्तियां लगा के बैठा हुआ है और बीच में एक डॉल पड़ी है। ये बंदा कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद इस डॉल को लपेट कर किसी चटाई में डाल लेता है और उसको फोल्ड कर लेता है। लेकिन जो बाद में हमें नजारे देखने को मिलते हैं उन्हें जरा तुम लोग खुद ही देख लो।
आज के हमारे चौथे वीडियो की कहानी काफी अजीब है। ये जो लड़का है इसने अपने दो छोटे भाइयों को संभाला होता है क्योंकि इसके माँ बाप की मौत हो जाती है और इनको संभालने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इतने बड़े घर में ये तीनों भाई रहते हैं, एक बड़ा है और दो भाई छोटे हैं। तो तुम लोग इन छोटे बच्चों को भी देख सकते हो, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। यानी कि यहाँ पर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया है और ये बंदा अपने भाइयों को यहाँ पर अकेला छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि उनकी मौत का खतरा है। ये घर काफी हॉन्टेड माना जा रहा है क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर कई सारी अजीबोगरीब चीजें रिकॉर्ड की हैं। और आगे तुम लोग देखो कि यहाँ पर इन बच्चों के साथ क्या क्या हो जाता है और यहाँ पर कई सारी अजीबोगरीब चीजें रिकॉर्ड होती है। Jom Dibes, jom. Ni tak ada apa-apa. Ni magic ke peliknya? Papa! Dubis! Dubis! Masuk! Dubis! Kenapa Dubis selalu main dengan itu? Dubes, tidur dalam bilik Dubes. Dubes. तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट Dubes.